भाई, अगर आपको ये पता करना है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल हो, स्ट्रेस खत्म हो जाए और जिंदगी कैसे मस्त रहे, तो कल सुबह ठीक 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में आप सपरिवार आ जाइए। मुझे जरा सुबह जल्दी उठा देना। आपको जरा कहाँ जाना है ये आप मुझे जरा बताएंगे? अरे सुबह 6:30 बजे मेहता साहब ने सबको गार्डन में बुलाया है। चल सो जा, चुपचाप सो जा। टेंशन जा, जा टेंशन, टेंशन जा, जा टेंशन। जरा जल्दी उठना, ऐसा कह के आप जरा भी नहीं उठ रहे हैं। अरे उठिए, आपको पता है बापूजी और टप्पू कब के तैयार होकर नीचे चले गए हैं? बापूजी चले गए? हाँ, तो क्या टाइम हो रहा है? 7:07 बज गए? नहीं नहीं, 7:08 मिनट के बाद 6:30 बजने वाले हैं। और तो मुझे अभी उठा रही है? अरे मैं तो आपको कब की उठा रही हूँ, पर आप है कि कबूतर की तरह ऐसा कर रहा है। आपको पता है मेरी माँ कहती है कि हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए। अगर हम वक्त के साथ नहीं चलते तो वक्त हमसे आगे निकल जाता है और हम वक्त के पीछे रह जाते हैं। और एक बार वक्त आगे निकल गया तो वक्त ने किया क्या हंसी? कितना बोलती है तू सुबह सुबह। इससे अच्छा आप सीधी तरह से उठ गया होता तो मुझे इतना बोलना नहीं पड़ता। अरे उठ गया हूँ भाई, उठ गया हूँ। आप जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जल्दी करना। मेहता साहब को ठंडी के टाइम में सुबह सुबह कहाँ मिलने का बोल दिया। ठंडी में तो मज़ रह जाए, उड़ के सोने का मजा आता है। अभी गार्डन में ऐसे उठिया। अरे देवा, अरे माधवी, सोनू, अरे कितनी वेळ लावता क्या बायका? अरे चलो, अरे जल्दी चलो। अरे एक शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक, अगर शिक्षा की वक्त पर नहीं पहुंचेगा तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? अरे हमारे जमाने में चला चला। पापा, 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 मैं रेडी, चलो। है मेरा शेर मतलब तैयार हो गया और तेरा पापा भी रेडी है। और मम्मी क्या कर रही है यार तेरी? और रोशन छेती कर यार। 2 मिनट बाबा। और पिछले 15 मिनट से 2 मिनट बाबा, 2 मिनट बाबा, 2 मिनट बाबा। और रोशन सब थल्ले इंतजार कर रहे होंगे बाबा। पापा मम्मी लोग ऐसे ही होते हैं। ओए होए, मेरा शेर पुत्र बड़ा समझदार हो गया। एक काम करते हैं, हम लोग नीचे चलते हैं, मम्मी बाद में आ जाएगी। हाँ, और रोशन ऐसे थल्ले जा रहे हैं तो दरवाजा बंद करके आ जाए। अरे यहाँ रोशन, तू जानी, मैं आती हूँ। चंगा भाई, क्या बात है, सुबह सुबह आप लोग बड़े प्रफुल्लित लग रहे हैं। हाँ, एकदम ताजा। हाँ, सब आ गए। अरे टप्पू, तेरे पापा कहाँ है भाई, अभी तक नहीं आए? आते होंगे। बाबूचक, अरे मैं इतनी देर क्यों हो गई? ओ बाबूजी, मैं आपके राह देख रहा था, तो फिर पता चला आप तो कब के इधर आ गए। बाबा बोले बोले बोले, मेहता साहब क्या आइडिया क्या है? मेहता साहब जल्दी बोलिए, कौन सा आइडिया है? उसके बारे में रात भर सोच सोच कर मुझे टेंशन हो गया था। हाँ मेहता साहब, बताइए कौन सा रामबाण इलाज बताने वाले हैं आप? दोस्तों चिल्लाइए मत, बताता हूँ कि हम क्या करने वाले। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सारे लोग इधर आइए, आप सब लोग सामने आ जाइए इधर। हाँ हाँ, चलो
जल्दी आ जाओ बच्चों। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। बच्चों बच्चों एक काम करो, तुम्हें मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तुम लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। शाबाश, आगे सब लोग, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक काम कीजिए, आप मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैं तो साहब यहां बैठे बैठे। नहीं नहीं नहीं, आप खड़े मत होइए, आप बैठे बैठे मस्त, मैं बताता हूं क्या करना है। थैंक यू थैंक यू। अब हाथों को फैलाइए अपने। थोड़ा पीछे रहना, थोड़ा जरा जगह रख इधर। हाथ डिस्टेंस के लिए बताया मैंने, हाथ पकड़ना नहीं है। कोई हाथ नहीं पकड़ेगा भाई, आजू बाजू वाले का कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। और लगता है मेहता साहब हमको लाइन में खड़ा करके पीटी कराने वाले हैं। अरे सोड़ी, पीटी कराइए टीटी, लेकिन जो भी कराइए जल्दी कराइए मेहता साहब। क्यों, तुमको किधर जाना है? कहीं जाना नहीं है जेठाला, लेकिन उत्सुकता बहुत है। उत्सुकता, ओके। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि जिंदगी में जितने टेंशन है, जितने स्ट्रेस है, जितने तनाव है, उनको दूर करने का इलाज किसी वैद्य हकीम या डॉक्टर के पास नहीं है, आप लोगों के पास है। हाँ, आप लोग सारे टेंशन दूर कर सकते हैं। दुनिया में तनाव दूर करने का एक रामबाण इलाज है और वो है हास्य, हंसी यानी कि लाफ्टर। दोस्तों लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसी से बढ़ के कोई दवाई नहीं है। और टेंशन के लिए हमारे पास हमारा इलाज खुद है, हंसी। अगर आप इस तरह से खुली हवा में शरीर को खुला छोड़ के हाथ ऊपर करके जोर जोर से हंसे, फिर देखो टेंशन कैसे दूर भागता है। तो शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर दीजिए, इन हवाओं को महसूस कीजिए। आहा, ये जो चिड़ियों की चहचहाट है सुबह सुबह, ये भीनी भीनी सुगंध चारों तरफ फैली हुई, इसे महसूस कीजिए। हाथों को ऊपर करिए और हाथ ऊपर करके जितना जोर से, जितना ज्यादा, जितनी देर तक हंस सकते हैं उतनी देर तक हंसिए, इस तरह से। एक मिनट मेहता साहब, ऐसे इस तरह हंसने के लिए आपने सुबह सुबह हम लोगों को यहाँ बुला लिया? बिल्कुल हाँ। अरे मेहता साहब, उसके लिए 6:30 इधर मिलने की क्या जरूरत थी? वो तो 9 आराम से सो के भी हम हंस सकते थे। अरे मैं नाश्ता भी करके नहीं आया हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे भाई, तनाव दूर करने के लिए इस स्थान का और इस समय का, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है और महत्व है। अरे वो सब तो ठीक है मेहता साहब, लेकिन ये हाथ ऊपर करके हंसने वाली बात समझ में नहीं आई। अरे कोई रहस्य नहीं है पोपट लाल, हाथ ऊपर करने का मतलब है सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। ये लाफ्टर थेरेपी है, थेरेपी। हाँ, ये इलाज का एक तरीका है। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, शरीर को खुला छोड़ दो, अपने आप को प्रकृति को सौंप दो, भूल जाओ कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, बस जी खोल के हंसो। क्या हंसो मेहता साहब, बिना वजह कैसे कोई हंस सकता है? मेहता साहब, आस पास की सोसाइटी के लोग हमें देखेंगे तो क्या बोलेंगे, हमारी गिनती पागलों में करेंगे। अरे अय्यर साहब, अरे लोगों की चिंता कब तक करते रहोगे भाई, अपने स्वास्थ्य की चिंता है या नहीं, लोग कहें कुछ भी कहें, आप कोई अपराध कर रहे हो क्या? हंसी तो रहे हो, किसी का कोई बुरा तो नहीं कर रहे हो, और क्यों पागल समझेगा? और बिना कारण हंसने की बात कैसी, हम दिन में कुछ कारण से हंसते हैं कभी? भाई जेठालाल, दिन भर में हम कोई केले के छिलके से फिसल जाता है तो हंस पड़ते हैं, हंसने के क्या कारण? भाई हम इंसान है इसलिए हंसो, हम खुश हैं इसलिए हंसो, हम गोकुल धाम में रहते हैं इसलिए हंसो, आओ हंसो मेरे साथ। अरे अरे देखो इन बच्चों को देखो। अरे इनको देख के तो हंसो। बिल्कुल दया भाभी जैसे हंस रही है, वेरी गुड वेरी गुड। अरे कोशिश करो पोपट लाल। वो तो पागल ही है, वो तो हंसती रहती है पूरा दिन। हंसी हंसी कम ऑन, हाथ ऊपर कर दिए। अरे दया भाभी बिल्कुल सही है।
क्या हुआ भाई, रुक चुके है? हेलो, दोस्तों आपके लिए एक शानदार सरप्राइज है। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए हंसने का एक कारण भी बुला लिया है। जब मैंने सोचा कि आज हम ये लाफ्टर क्लब करने वाले हैं, तो मैंने मेरे खास दोस्त लाफ्टर चैंपियन सुनील पाल को बुलाया है। आ जाओ सुनील। क्या बात है। थैंक यू यार, थैंक यू, तुम आ गए। तो दोस्तों, लाफ्टर क्लब में अभी तक तो आप लोग बिना कारण के हंस रहे थे। अब हमने कहा कि बुला लूं अपने खास दोस्त सुनील पाल को, कि वो इतना जम के हंसाए कि आपको मजा आ जाए, सुबह शानदार हो जाए और दिन भी। क्यों सुनील? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तैयार हो हंसाने के लिए? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगी गोकुल धाम जो सोसाइटी है, बड़ा कमाल है इसमें। ये देखिए, आप लोग सुबह भी मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे मुझे याद आया अपने रतन नूरा जो है। रतन नूरा आ गए भाई, सुनील पाल का रतन नूरा, जरा ताली वाली बजा दो। थैंक यू। अब वो जो है वो सुधर गए, रतन नूरा सुधर गए। सुधर गए। अच्छा, एकदम उन्होंने सोचा कि अब योगा सिखाएंगे। वो सब छोड़ दिया? बिल्कुल, बिल्कुल एकदम योगा सिखाने बाबा हो गए एकदम, और ये आसन सिखा रहे हैं। तो भक्त जनों, हमारा नाम है रतन नूरा और आपको सिखाऊंगा आसन पूरा के पूरा। योगा से होगा? हाँ, मैं कहता हूँ योगा से। योगा से हर दुख का निवारण होगा, योगा से होगा, वरना फिर किसी के बाप से भी नहीं होगा। ऐसे अपने जैसे साधारण आदमी आ गया। हाँ। बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरा दुख दूर हो जाए, ऐसा कोई आसन बताइए। तेरे सारे दुखों का निवारण हो सकता है, तू एक काम कर, सांस को जोर से बाहर फेंका कर। सांस को जोर से बाहर, जोर से बाहर फेंका कर। चार दिन के बाद वो आदमी एकदम टूटा फूटा आया एकदम। हाँ। यहाँ पट्टी लगी, यहाँ पट्टी लगी, हालत खराब। बाबा बाबा, कौन सा आसन सिखाया आपने? हमने तो कहा था सांस को जोर से बाहर फेंको, हर दुख दूर हो जाएगा। सारे दुख तो शुरू वहीं से हुए। घर गया, आपके बताए हुए हिसाब के से मैंने सांस को पकड़ा, उठाया, उठा के फेंकने ही वाला था जोर से कि वो मेरे ऊपर गिर पड़ी। आधा तो मैं वहीं खत्म हो गया। आवाज से मेरी बीवी अंदर से आई, मुझसे कहने लगी क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सांस को जोर से बाहर फेंक रहा हूँ। उन दोनों ने उठा के मुझे बाहर फेंका। चार दिन के बाद होश में आया हूँ, आज समझ लो मेरा चौथा है। बाबा ये कौन सा आसन सिखाया आपने? हमने तो आसन सिखाया, तू साले भाषण दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू सुनील यार, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अरे क्या बात है, मजा करा दिया आपने सुनील जी। लेकिन आजकल आप टीवी पर आते नहीं है, वो दिखता नहीं है, क्या बात है? हाँ, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, असल में मैंने अपनी एक होम प्रोडक्शन बना ली है और उसकी पहली फिल्म आ रही है पाल फिल्म की, भावनाओं को समझो। भावनाओं को समझो पिक्चर का नाम है। जी 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 जी। और ये 15 जनवरी को थिएटर में आ रही है। और एक स्टैंड अप कॉमेडियन जब स्टेज पे आता है तो कितना हंसाता है। इस फिल्म में 51 स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो फिल्म में कितनी कॉमेडी होगी? 51? बाप रे यार, बल्ले बल्ले। इसीलिए इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जा रहा है, और अगर आप सबका आशीर्वाद रहा दोस्तों, तो ये फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगी 51 स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए। अरे कमाल है, सुनील अकेले इतने अच्छे कॉमेडियन है, तो 51 इकट्ठे होंगे तो फिर तो धमाल हो जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ मेहता साहब कि इस सोसाइटी के लोग जो अगर आशीर्वाद देंगे मुझे, तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये फिल्म हिट नहीं होगी। अरे सुनील पाजी की गल कर रहे हो? सुपर हिट होगी, सुपर हिट। सब लोग टिकट खरीद के पिक्चर देखेंगे और तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे। तो मैं तो अब चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, मेहता साहब मैं निकलता हूँ। सुनील भाई
जूस पीकर जाइए। भाभी जी, आपके जूस की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। है ना? आप मेहता साहब को पिलाइए। चल ये तो हो गई तो रोशन के हाथ की कांच पटियाला लस्सी। ओए बस बहुत बहुत अच्छा हो गया। आप बस ऐसे ही आशीर्वाद मेरे साथ में रखिए, आप ऐसे ही मेरी भावनाओं को समझिए, भगवान आपकी भावनाओं को समझेगा। फिल्म के रिलीज के बाद आपको मेरी जरूरत पड़ेगी पत्रकार पोपटलाल। अरे लेकिन तुम तो चोरी डकैती हो, सबका रिपोर्ट लिखते हो ना? कभी कभी फिल्मों के बारे में भी लिखता हूँ। कभी बस अभी से शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। चलो सुनिए, बाय 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 बाय, थैंक यू बस आशीर्वाद रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय बाय, थैंक यू सुनील। चलो भाई, गया सुनील पाल। तो दोस्तों, मजा आया कि नहीं? कैसा लगा मेरा लाफ्टर क्लब का आइडिया? हाँ, बहुत मजा आया। मैं तो सब बस तो, अरे भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? आइडिया पे फर्स्ट क्लास और मजा भी बहुत है, क्या बोलते हैं? सच कहूँ तो मेहता साहब, बहुत साल के बाद इतना हंसा हूँ मैं। भी और मुझे तो ऐसा लगा कि हंसते हंसते मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। ओ मेहता साहब, आज इतना हंसे कि मेरी तो आंख में आंसू ही आने शुरू हो गए। ओहो, मतलब तुम हंस रहे थे कि रो रहे थे? अरे जेठा परा, हंसते हंसते रो रहा था यार। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज का जवाब दें, जब अभी हम हंस रहे थे तब किसी को भी याद आया कि देश में महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है? नहीं। अच्छा किसी को भी याद आया कि यार दिन में बहुत सारे काम करने हैं, ये मुझे डाक पोस्ट करनी है, ये मुझे चेक जमा कराना है, ये पैसे निकालने, याद आया क्या? किसी को भी ये याद आया कि बच्चों को तैयार करना है, घर में खाना बनाना है, बहुत सारे काम बाकी है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये हंसते वक्त ये याद नहीं करना है, लेकिन जब ये सब करने का है काम, तभी तो करने का ही है, वरना तभी भी करेंगे। तो भी कल से हमारा दिन होगा 23 घंटे का। 23 घंटे? वो कैसे? 23 घंटे दुनिया के लिए, एक घंटा खुद के लिए, एक घंटा सुबह आप मिलेंगे और जम के हंसेंगे, ठीक है? ओ तो कल सुबह ठीक 6:30 बजे यहाँ मिलते हैं, बोलो। मेहता साहब, क्या है कि उतरा ना रही है तो घर में बहुत सारे काम है। हाँ मुझे भी तिलगुल का बहुत बड़ा ऑर्डर है, फिर इनको भी डिलीवरी के लिए जा। मतलब नहीं जमेगा दोनों को। ओके। अरे भाई एक मिनट, अभी सब लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ काम है, तो काम करते हैं। मेहता साहब ये 3-4 दिन रहना देते हैं, फिर उत्तरायण के बाद वापस। ठीक है भाई, हंसी कहाँ दौड़े जा रही है, हंसी तो हमारे अपने पास है ना, तो हम 2-4 दिन उत्तरायण के बाद करते हैं अगला लाफ्टर का सेशन, क्यों? अचानक कोई चीज चलते चलते रुक जाए तो सरकारी योजनाओं की याद आती है ना आपको? हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्लानिंग, योजनाएं जो बहुत उत्साह के साथ शुरू होती हैं, लेकिन दुगने उत्साह के साथ तुरंत ब्रेक भी लग जाता है। ऐसा ही हुआ, शुरू किया था भाई लाफ्टर क्लब हमने गोकुल धाम में कि हम बड़ा टेंशन दूर करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक लग गया इस योजना पे। दया भाभी ने कहा भाई उत्तरायण है, त्योहार है तो काम है। वैसे बात तो सही है, उत्तरायण, मकर संक्रांति भाई बड़ा त्योहार है हमारा, महिलाओं को त्योहार के वक्त काम तो होते ही है। और अभी तो तिल गुड़ खाने का त्योहार, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने का त्योहार, भाई मैं जानता हूँ आप सारी महिलाएं बड़ी व्यस्त होंगी। वैसे पतंगों से मुझे एक बात याद आई, जिस ढंग से अहमदाबाद में मनती है मकर संक्रांति, जो उत्तरायण वहां होता है वैसा तो कहीं नहीं होता। लेकिन गोकुल धाम भी कम नहीं है साहब, हम भी पूरे अंदाज से, पूरे उत्साह से मनाएंगे उत्तरायण और मकर संक्रांति, आकाश ठकने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करनी बड़ी जरूरी है, मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना बहुत जरूरी है। और ये तो कहने की जरूरत नहीं है, जब आप देखेंगे तो हंसेंगे, और जब आप हंसेंगे तो फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत होती है, देखते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।